Now let's see the eighth law. What the eighth law says? Eighth law is nothing but law of reciprocal. Na? Eighth law. Law bolo, fact bolo, na? Law of reciprocal. Now what does law of reciprocal mean? Law of reciprocal means if A is greater than B, then na? A agar B se bada hai, to kuch aisa hoga, 1 upon A, 1 by B से छोटा हो जाएगा अगर A and B have same sign. अगर A और B के ऊपर same sign है तो A अगर B से बड़ा है तो 1 by A, 1 by B से छोटा होगा. नहीं तो inequality reverse नहीं करेगा. If A and B have opposite signs. छोटा सा example देख लेते हैं, है ना? छोटा सा example क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों का सेम साइन है ना, सेम साइन का एग्जाम्पल है 2 हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है? तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाफ 1 से छोटा हो जाएगा. नेक्स्ट एक और सेम एग्जाम्पल साइन ले सकते हो आप, जैसे कि आपने बोल दिया -3 -5 से बड़ा है लेकिन -1/3 -1/5 से छोटा है, ठीक है? तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि जितना नंबर बड़ा होगा उतना वो छोटा हो जाएगा, ठीक है? अगर आप बोलोगे सर क्या व्हाट इफ द नंबर इज लेस देन 1, तो ये वाला एग्जांपल रिवर्स केस में फॉलो हो जाएगा ना. हाफ इज लेस देन 1 तो 2 विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये रिवर्स साइकिल में ये फॉलो हो जाएगा. तो जितने भी नंबर्स है वो ऐसे ही फॉलो होंगे इफ दे हैव द सेम साइन, उनके रेसिप्रोकल का साइन चेंज हो जाएगा ना. अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो उनके बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. नाउ लेट्स सी दिस, इसको देखते हैं चलिए एक बार. व्हाट डज दिस मीन? साइन इनके पास अपोजिट है. तो अगर आपने कोई एग्जांपल ऐसे ले लिया जैसे 2 इज ग्रेटर देन -3, so 1/2 will be still greater than -1/3. जो नेगेटिव है वो तो अभी भी छोटा ही रहेगा, ठीक है? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है हाफ का वैल्यू -1/3 से बड़ा है, ठीक है? इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 2 -3 से बड़ा जाएगा, ठीक है? इफ बोथ ऑफ देम हैव अपोजिट साइन स्टिल इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. जिसके पास भी इनइक्वालिटी पहले थी वैसे ही होगी. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं. अपोजिट साइन का मतलब ये है, ठीक है? दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव अगर होते हैं तो व्हाट हैपेंस? दोनों अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल दोनों आपस में छोटे बड़े हो जाएंगे. बड़े छोटे थे तो छोटे बड़े इंटरचेंज. सेम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी होगा, ठीक है? सो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल. नेक्स्ट एक और देख लेते हैं लॉ, है ना? एक्सपोनेंट्स का लॉ है, नाइन्थ वन देखते हैं. एक्सपोनेंशियल लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है? See, ये सब लॉ मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये एक्चुअली तो फैक्ट है, हमेशा वैलिड होंगे, ठीक है? तो अगर मैं बोल देता हूं a रेस टू द पावर ऑफ r इज ग्रेटर देन b रेस टू द पावर ऑफ r होगा, या इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, फॉर a b ग्रेटर देन 0, है ना? a b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है? अगर a b से बड़ा है देन a रेस टू द पावर ऑफ r शुड बी ग्रेटर देन b रेस टू द पावर ऑफ r इफ R is positive. अगर उनके ऊपर पॉजिटिव पावर है तो जो नंबर बड़ा था वही बड़ा रहेगा. जैसे हाफ और 2 ले लेते हैं आप, ना? मान लेते हैं 2 और हाफ है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा. तो जितनी भी आप पावर बढ़ाते जाएंगे जो नंबर बड़ा था उसका पावर भी बड़ा ही होगा. अगर अगर a रेस टू द पावर ऑफ r किया हुआ है वो b रेस टू द पावर ऑफ r से छोटा हो जाएगा इफ r इज लेस देन 0, ठीक है? दो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें जिसमें r को हम वेरी करा रहे हैं, ना? a और b आपका कांस्टेंट है, ठीक है? मान लो आपका a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 2 है, ठीक है? या b का वैल्यू हाफ ले लो आप, चलो, ठीक है? सो व्हाट कैन आई से? इफ a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या होता है? अगर 4 हाथ से बड़ा है ना, 4 इज ग्रेटर देन हाफ, सो आई कैन से दैट 4 रेस टू पावर ऑफ r विल बी ग्रेटर देन 1/2 रेस टू पावर ऑफ r इफ r इज पॉजिटिव. अगर r पॉजिटिव है तो कोई भी पावर ले लो ये बड़ा हो जाएगा. इफ r इज नेगेटिव, मतलब फॉर एग्जांपल 4 रेस टू -1 और यहां ले लेते हैं हाफ रेस टू पावर ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 2, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे. पावर नेगेटिव मींस व्हाट? वी आर रेसिप्रोकेटिंग द नंबर्स और यहां पे दोनों पॉजिटिव है. अगर आप देखेंगे एक्सपोनेंट्स तभी डिफाइन होते हैं जब बेस उनका पॉजिटिव होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है? तो जब हम आपको लॉग पढ़ाएंगे तब हम आपको ये चीज भी बताएंगे कि कभी भी एक्सपोनेंट्स का बेस 1 नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए ना, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है? सो नोट दिस डाउन, ठीक है? नोट दिस डाउन, देन वी विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. इफ x इज 1/10 टू 2/3,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय x. सो फॉर एग्जांपल x इज लाइंग बिटवीन 1 बाय 10 टू 2 बाय 3. सो 1 अपॉन x विल बी रेसिप्रोकेटिंग, दैट इज 10 टू 3 बाय 2. करेक्ट. इफ दे डू नॉट चेंज, इफ both the sides have the same sign, if you reciprocate, what happens? You reciprocate, the sign gets changed. ठीक है, जब reciprocal हो जाएगा तो inequality का sign change हो जाएगा. So 1 by x will belong from 3 by 2 से लेके 10 तक. ठीक है, ये आपका first answer हो गया. Next, अब दिया हुआ है minus 2 से 3. तो for example, यहाँ पे minus 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं 3 है. अब देखेंगे माइनस टू माइनस वन, यहाँ पे कोई हाफ होगा, है ना, हाफ का रेसिप्रोकल टू, वन बाई थ्री का रेसिप्रोकल थ्री, वन बाई फोर का रेसिप्रोकल समझ लो यहाँ पे कहीं, है ना, वन बाई थ्री का रेसिप्रोकल थ्री, वन बाई फोर का रेसिप्रोकल फोर, वन बाई फाइव का रेसिप्रोकल फाइव. सो वन बाई फाइव एक नंबर एक्चुअली छोटा है ना, इसको थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे. देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे कहीं वन होगा, इसके बीच में वन बाय, लेट्स से दैट वन बाय कहीं टू बाय थ्री होगा. ठीक है, तो 1 बाई टू होगा, यहाँ कहीं 1 बाई फोर होगा, यहाँ कहीं 1 बाई एट होगा ना. तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा, इसका 3 बाई टू, इसका 2, इसका 4, इसका 8. तो जब यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम 0 टू 1 जब हम जा रहे हैं तो नंबर कहाँ जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल 0 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा ना. अगर 0 यहाँ पे जो जस्ट यहाँ नंबर होगा वो इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे जस्ट जो नंबर होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा. क्यों? क्योंकि जीरो से जस्ट छोटा नंबर है तो उसके साइन नेगेटिव होगा. वन अपॉन समथिंग विच इज जीरो इज नथिंग बट इन्फिनिटी, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे बोल लेते हैं, वन अपॉन जीरो से थोड़ा पॉजिटिव. करेक्ट, तो ये इन्फिनिटी विथ प्लस साइन होगा. लेकिन वन से जब जीरो थोड़ा नेगेटिव होगा तो ये इन्फिनिटी होगा लेकिन माइनस साइन के साथ होगा. ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं माइनस वन बाई फोर विल गिव यू माइनस फोर, माइनस वन बाई एट विल गिव यू माइनस एट, माइनस वन बाई सिक्सटीन विल गिव यू माइनस सिक्सटीन, है ना, रेसिप्रोकेट करने पे. तो ये माइनस इन्फिनिटी आपको देगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फ्रॉम माइनस टू इफ आई एम ट्राइंग टू रेसिप्रोकेट द नंबर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं माइनस वन होगा, उसका रेसिप्रोकल माइनस वन होगा, है ना. तो अगर हम देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है, नेगेटिव नंबर्स रेसिप्रोकेट हो जाएंगे और पॉजिटिव नंबर्स रेसिप्रोकेट हो जाएंगे. तो दोनों को हमको सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस पार्ट. अगर मैं नेगेटिव पार्ट को एनालाइज करूं माइनस टू से जीरो, तो अगर हम देखें तो नंबर क्या हो रहा है, माइनस हाफ. देखो माइनस टू से जीरो अगर हम करने की कोशिश करें तो नंबर एक्चुअली क्या हो रहा है, माइनस टू से, माइनस टू का रेसिप्रोकल इज माइनस हाफ, और यहां अगर हम जाते जाएंगे तो यहां कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. तो फॉर दिस पार्ट इफ यू रेसिप्रोकेट, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है माइनस टू से जीरो. ठीक है, इज माइनस टू देयर? यस. इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो माइनस हाफ से माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, ये आ जाएगा इसका, माइनस हाफ से माइनस इन्फिनिटी. अच्छा, अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं. ये जीरो इंक्लूसिव है लेकिन थ्री एक्सक्लूसिव है ना, देख लो थ्री एक्सक्लूसिव है यहाँ पे, जीरो इंक्लूसिव थ्री एक्सक्लूसिव, क्योंकि दोनों जगह इंक्लूड होगा तभी वो इंक्लूसिव होगा ना. इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा इन्फिनिटी और इसका 1 बाई थ्री, तो आ जाएगा 1 बाई थ्री से इन्फिनिटी. सो इफ x बिलोंग्स टू माइनस टू टू थ्री, 1 बाई एक्स विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 1 बाई थ्री से इन्फिनिटी. इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास, देख लो. ठीक है, चलिए. Now let's see the second question. What the second question says, if x belongs to this, find the value of 1 by x. See, जैसे हम x square में देख रहे थे, x square में हम क्या देख रहे थे, जहाँ पे वो zero हो रहा था, तो वो दो interval में divide हो रहा था. ठीक है, so same 1 by x में हम क्या करेंगे, check करेंगे जहाँ वो दो interval में divide हो रहा है, 1 by x उसका reciprocal ले लेंगे. देखो इधर important चीज है ना, ये बहुत important चीज है. क्या बहुत important चीज है इसमें, हम देखो जब ये दो इंटरवल में डिवाइड हो रहा है तो एक माइनस टू है, एक जीरो है और एक थ्री है. ठीक है, माइनस टू जीरो और थ्री है. तो 1 बाय एक्स क्या होगा, देखो हमेशा जब जीरो होता है तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपका वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा ना. और एक चीज देखो, यहाँ पे समझ लो कहीं पे 1 बाई फोर होगा, यहाँ पे 1 बाई टू होगा, यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, तो रेसिप्रोकल इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है. तो जैसे जैसे मैं जीरो से नजदीक जा रहा हूँ रेसिप्रोकल उसका बढ़ता जा रहा है. ठीक है, कहीं पे 2 भी आएगा, कहीं पे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और जीरो पे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा रेसिप्रोकल. ठीक है, सेम स्टोरी यहाँ से हो रही है. देखो यहाँ पे कहीं माइनस वन है, यहाँ पे कहीं माइनस हाफ होगा, यहाँ कहीं माइनस वन बाई फोर होगा, यहाँ कहीं माइनस वन बाई एट होगा,
तो यहां पे अगर देखेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस फोर, माइनस एट, तो बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे कहीं माइनस इन्फिनिटी भी होगा। तो हो क्या रहा है, इसको थोड़ा हम एनलार्ज करके देख लेते हैं ना, इसको थोड़ा एनलार्ज करके देख लेते हैं। तो एनलार्ज करके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, देखो अगर आप इसको एनलार्ज करते हो तो जीरो है यहाँ पे, जीरो के इस वाला जस्ट पोर्शन को मैं प्लस इन्फिनिटी बोलूंगा रेसिप्रोकल को, और यहाँ को माइनस इन्फिनिटी। अगर ये x है तो ये 1/x और ये 1/x होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो इसको कैसे स्प्लिट कर दिया है हमने, माइनस टू टू जीरो, तो ये वाला जो इंटरवल है माइनस टू टू जीरो, इसको मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2, करेक्ट। और माइनस टू पॉसिबल है तो माइनस 1/2 भी पॉसिबल होगा। यूनियन नेक्स्ट देखेंगे, सी यहां पे दिया हुआ है 3, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे 1/3 जो उसका रेसिप्रोकल है वो भी नहीं होगा, लेकिन 0 पॉसिबल है क्योंकि 0 के पास तो जा रहा है ये, 3 से 0 तक जा रहा है, तो 1/3 से इंफिनिटी तक जाएगा। अब आप बोलोगे इंफिनिटी पे क्लोज, इंफिनिटी पे बच्चा कभी क्लोज नहीं लगता, ठीक है। नोट दिस डाउन, विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट द थर्ड क्वेश्चन सेज, नाउ आई एम ब्रेकिंग इट इनटू टू पार्ट्स, व्हाट इज द टू पार्ट्स, माइनस 1/3, 0 एंड 2, ठीक है। अब ये इंक्लूसिव नहीं है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3। यूनियन इसके लिए क्या लिखेंगे, अब देखो 2 इंक्लूसिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ टू इन्फिनिटी, करेक्ट। तो इसका सी का आंसर भी हो गया, करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज, वाई इज 1/x², x का वैल्यू -1/5 से 1/5 है। तो देखो यहाँ पे आप x का वैल्यू पता है तो स्क्वायर कर लो उसको, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर विल बिलोंग फ्रॉम 0 टू 1/25, करेक्ट। और 1/x² कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 25 से इन्फिनिटी तक। क्यों इन्फिनिटी तक, देखो 1/25 का रेसिप्रोकल 25, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, लेकिन 0 पॉसिबल है लेकिन इन्फिनिटी पॉसिबल है कभी पॉसिबल नहीं है। देखो जब भी 1/something होता है ना, तो 1/a है आपके पास मान लो, और अगर इसको 0 होना है तो क्या ये 0 हो सकता है, पहले इसको समझ लो, 1/a को छोड़ो, a बाई बी का फॉर्म है, ठीक है, a बाई बी है, अगर इसको 0 होना है तो फॉर श्योर कंडीशन है a को 0 होना है, लेकिन अगर 1/b को 0 होना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये कभी 0 नहीं हो सकता, देखो तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो 0 कभी नहीं होगा तो प्रॉपरली इन्फिनिटी कभी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इन्फिनिटी ओपन है, ये फर्स्ट रीजन है, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट्स अ नोशन, सो दैट इज इन्फिनिटी इज एन ओपन ब्रैकेट, करेक्ट, वो तो मैंने आपको समझाया था। नाउ नोट दिस डाउन, विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, आपको 2x² - 4/x² + 1 को कुछ कन्वर्ट करके बनाना है ताकि आपको x मिलेगा। नाउ अभी तक हमने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, ना ही हम ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम दो फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं ना, दो, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका इंटरवल निकाल लेता हूँ, यहाँ पे इसका इंटरवल निकाल लेता हूँ और दोनों इंटरवल्स को डिवाइड कर लेता हूँ ना, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं करते, वी नेवर फाइंड आउट इंटरवल्स एंड डिवाइड द इंटरवल्स, दैट इज नॉट ट्रू, वो कभी ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ पूरे को, लेट्स सी कैसे करते हैं। 2x² - 4/x² + 1 को मैं लिख सकता हूँ, 2 टेकन आउट कॉमन, x² - 2/x² + 1, करेक्ट। अब इसको x² + 1 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, 2 x² + 1 बन जाएगा, अपॉन x² + 1 ऑलरेडी है। अब देखो x² 2x² हो गया, यहां से -4 था, यहां पे +2 है, तो कितना करना पड़ेगा, -6 अपॉन x² + 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 - 6/x² + 1। अब इसको रिलेट करके देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी x का वैल्यू बिलोंग करता है -3 से 3 के बीच में, आपको x² + 1 चाहिए, तो पहले x² बना लेते हैं, तो x² बिलोंग करेगा 0 से 9 तक, x² + 1 बिलोंग करेगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब 1/x² + 1 कहां से बिलोंग करेगा, 1/x² + 1 विल बिलोंग फ्रॉम 1/10 to 1, ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 1 का रेसिप्रोकल 1, नाउ 6 टाइम्स ऑफ दिस, सो 6 टाइम्स x² + 1 विल बिलोंग फ्रॉम 6/10 to 6, है ना। अब 6/10 क्या होता है, 3/5, ठीक है, माइनस करना है तो -6/x² + 1, तो मैंने आपको बताया जब माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, मतलब जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -6 से -3/5, करेक्ट। अब देखेंगे क्या करना है, +2 करना है, तो 2 -6/x² + 1 बिलोंग्स टू -4,
अब प्लस टू करेंगे तो कितना जाएगा, टू माइनस थ्री बाय फाइव, तो एलसीएम ले लेंगे टू इंटू फाइव टेन, टेन माइनस थ्री हो जाएगा सेवन बाय फाइव, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। प्लीज नोट दिस डाउन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन नंबर फोर सेज, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वेयर एक्स विल बिलोंग फ्रॉम माइनस फोर से फाइव। ठीक है, माइनस फोर से फाइव है ना। ठीक है, अब देखो, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मैं क्या इसको फिर से वही फॉर्म में बना सकता हूँ? सी, आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते इंटरवल्स को, तो आपको उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो हमेशा हम न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बन गया, अब प्लस कुछ कर देंगे, कितना करेंगे, प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये बन जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा जीरो से ट्वेंटी फाइव तक, एक्स स्क्वायर माइनस वन बिलोंग करेगा माइनस वन से ट्वेंटी फोर तक। ठीक है, अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, अब जब भी आप रेसिप्रोकेट करते हैं तो जीरो पे ब्रेक होता है, तो यहां पे कहां आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, अब माइनस वन पे डिफाइन है कि नहीं है, बिल्कुल डिफाइन है, तो क्लोज इंटरवल यूनियन वन बाई ट्वेंटी फोर से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब थ्री टाइम्स ऑफ दिस, तो थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन विल बिलोंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन 1 by 8 से infinity, ठीक है? Next plus 1 कर देंगे, तो 1 plus 3 upon x square minus 1 will belong from minus infinity से minus 2 union 1 add किया, तो 1 plus 1 by 8 कितना हो जाएगा, 9 by 8 infinity। अब आप बोलोगे सर ये infinity change नहीं हो रहा, नहीं होगा बच्चा, क्योंकि infinity plus 1 भी infinity, infinity minus 1 भी infinity, तो infinity में कोई changes नहीं आएगा, वो value infinity होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका final answer है, please note this down, then we'll be going for next question. Let's go for question number 5. है ना? Question number 5 क्या बोलता है? Y का value 1 upon x square minus x minus 1 है. अब क्या करेंगे? देखो, x square करेंगे, minus x minus 1 करेंगे, तो यहां से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना? क्योंकि यहां पे x की कोई interval नहीं given है, आपको real numbers given है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसको perfect square बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वन अपॉन, देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां से ही समझेंगे हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आपने याद करना 10th ग्रेड में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव करते थे, व्हेन यू वर स्टडिंग द फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते थे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता था, कैसे होता था, बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे किस चीज से मल्टीप्लाई करते थे, देखो यहां पे टू टाइम्स फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट वी यूज टू मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ द मिडिल टर्म, तो हाफ ऑफ द मिडिल टर्म इज वन बाई टू, प्लस हाफ ऑफ द मिडिल टर्म के स्क्वायर से ऐड किया, माइनस उसी से किया, और जो लास्ट का टर्म है वो एज इट इज लिखा। ठीक है, तो वन अपॉन में पूरी चीज लिखी हुई है, तो वन अपॉन क्या हो गया, देखो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फोर माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर इन ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपका चेंज हो गया, वन अपॉन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू आर में बिलोंग करता है, एक्स माइनस हाफ का वैल्यू भी आर में बिलोंग करेगा, तो एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, सी कोई भी रियल नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। क्या कोई भी स्क्वायर नेगेटिव देता है, आप माइनस टू लोगे स्क्वायर होगा फोर होगा, माइनस थ्री लेंगे स्क्वायर करेंगे नाइन आएगा, सो ऑलवेज स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब स्क्वायर के बाद क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट नहीं करना है, आपको पहले माइनस फाइव बाय फोर करना है, देखो तो आ जाएगा एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाय फोर, तो ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस फाइव बाय फोर से लेके इन्फिनिटी तक, करेक्ट। अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, सो वन अपॉन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर, तो इसको रेसिप्रोकेट आपने कर दिया, तो अभी आपको बताया था मैंने जब भी जीरो बीच में आता है तो क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर बाय फाइव, अब फोर बाय फाइव डिफाइन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यूनियन। अब आप बच्चे यहां बोलेंगे जीरो टू इन्फिनिटी सर ऐसे लिख लेते हैं क्लोज्ड करके, क्योंकि जीरो अंदर आ रहा है, तो देखो बच्चा यहां पे हो क्या रहा है, एक्चुअली हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये गलत है, यहां पे कुछ गलत है, देखो क्यों गलत है वो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस फाइव बाई फोर, यहां पे कहीं जीरो आएगा और यहां इन्फिनिटी आएगा, जब मैं माइनस फाइव बाई फोर को रेसिप्रोकेट करूंगा तो माइनस फोर बाई फाइव आएगा, जब मैं
सॉरी जब मैं जीरो को रेसिप्रोकेट करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा लेफ्ट साइड से, जब मैं जीरो को रेसिप्रोकेट करूंगा इन्फिनिटी आएगा राइट साइड से, ठीक है। लेकिन जब मैं इन्फिनिटी को रेसिप्रोकेट करूंगा तो जीरो आएगा। तो क्या कभी इन्फिनिटी एक नंबर है? नहीं। तो उसका रेसिप्रोकल क्या नंबर होगा? नहीं, वो भी एक फीलिंग है। तो यहां पे जीरो भी नंबर नहीं है, वो एक फीलिंग है, ठीक है। जीरो एक नंबर नहीं, एक फीलिंग है। अच्छा, अगर आपको ये जस्टिफिकेशन अंडरस्टूड है, वेल एंड गुड। अगर आपको इससे सैटिस्फाइड फील नहीं होता है तो इसका एक और मेथड है। देखो, मैंने अभी आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन ए कभी जीरो नहीं हो सकता। तो वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर इज नथिंग बट वन अपॉन समथिंग, क्या ये कभी जीरो होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ओपन रखेंगे। ये हो गया आपका सोल्यूशन। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।